भिवाड़ी के यूआईटी थाना क्षेत्र में गर्भपात के कारण हुई नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मुख्य आरोपी लेबर कॉलोनी का मालिक है, वह 4 साल से नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था, जबकि दूसरी आरोपी टपुकड़ा के निजी अस्पताल की महिला नर्स है, उसने 17 वर्षीय नाबालिग का गर्भपात किया था। पुलिस मामले में उक्त निजी अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार करने भी पहुंची, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का परिवार लेबर कॉलोनी में किराए पर रहता था। कॉलोनी के 25 वर्षीय मालिक रोहित गुजर ने करीब 4 साल पहले नाबालिग को अपने झांसे में ले लिया और उसके साथ यौन शोषण करने लगा। कम उम्र में किशोरी गर्भवती हो गई। पहले उसे गर्भ गिराने की प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कराया गया। इनसे गर्भपात नहीं हुआ तो रोहित ने टपुकड़ा के अंजुमन हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला नर्स गुड्डन उर्फ गुंजन सैनी निवासी घगवाली भरतपुर से संपर्क किया। गुंजन ने भिवाड़ी के सीटीपी प्लांट के समीप कमरे पर बुलाकर किशोरी का गर्भपात करा दिया। रोहित से इसके लिए 10,000 रुपए लिए गए। गर्भपात के बाद से ही किशोरी की तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में टपुकड़ा के अंजुमन हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को भी तलाश किया जा रहा है, वह भी अवैध गर्भपात में संलिप्त था, लेकिन नर्स की गिरफ्तारी होने की खबर लगते ही वह चंपत हो गया। वहीं निजी अस्पताल में रुपए लेकर नाबालिग के गर्भपात की घटना ने क्षेत्र में खुलेआम अवैध गर्भ समापन का खुलासा कर दिया है। घटना ने PCPNDT टीम के डिकॉय और निजी अस्पतालों में ऐसी गतिविधियों के अंकुश पर के किए जा रहे दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। महिला थाना भिवाड़ी में एक नाबालिग लड़की के गर्भपात के मामले की सूचना मिली। लड़की के पिता ने बताया था कि मेरी लड़की, जो नाबालिग लड़की थी, उसकी मर्जी के खिलाफ उसका गर्भपात करवा दिया गया है। इस पर उस लड़के को, जो आरोपी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो गर्भपात कराने वाली जो नर्स थी उससे भी पूछताछ जारी है और उसको भी आइंदा गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी डेथ हो चुकी है गर्भपात के दौरान और अभी उसके माँ बाप का भी गंभीर स्थिति में है। आरोपी गर्भपात का मामला, कोई प्रेम प्रसंग का मामला था क्या? हाँ, इस तरह से उसके माता पिता ने बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया कि जो लड़का था वो लड़की इसके पड़ोस में रहती थी और उनके पिछले 3-4 साल से प्रेम प्रसंग थे, इसी दौरान वो गर्भपात हुई थी।